हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढोकला, वो भी इंस्टेंट वाला। तो देख लेते हैं फटाफट से इसकी रेसिपी। ये एकदम फटाफट से बनने वाला ढोकला है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है सूजी, सॉल्ट, शुगर, वाटर, दही, पानी और थोड़ी सी शक्कर। तो यहाँ पर सूजी और रवे को मैंने, सूजी और दही को मैंने मिक्स करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके अंदर शक्कर और शुगर डाल दिया और अभी इनो डाल रही हूँ। हाँ, लास्ट में ये इनो डाल करके उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे इनो हमारा फर्मेंट हो जाए। बस यही प्रोसेस है ढोकला की, जिससे हमारा ढोकला एकदम इंस्टेंट बनने वाला है फटाफट से। ये देखिए, इसका अच्छे से हमें बैटर बना लेना है। ये हमारा ढोकला बैटर रेडी है, हमारा टिन भी रेडी है। मैंने स्टीम करने के लिए, पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। बस ये हमको ढोकला को अभी हमें 15-20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के स्टीम होने के लिए रख देना है। ढोकला ये इतना फटाफट से और इतना स्पॉन्जी और अच्छा बनेगा, टेस्ट में भी इतना अच्छा होगा कि आप एक बार बनाएंगे तो आपको दूसरी बार बनाने का मन ज़रूर होगा। बस अभी हमें इसे ढक देना है, 15-20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ढोकला बन करके रेडी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने नाइफ़ डाली है, जो नाइफ़ एकदम क्लीन निकली है। इसका मतलब ये है कि हमारा ढोकला बन करके रेडी है। अब हम ढोकला को देंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन रख दी है, उसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल, जब गर्म हो जाएगा तब हमें इसके अंदर हमारा जो तड़का है वो डालना है। और हाँ फ्रेंड्स, ढोकला को जब ढोकला ठंडा होगा उसके बाद ही निकालना, नहीं तो ढोकला टूट सकता है। अब हमने ऑयल के अंदर राई डाल दी है, मस्टर्ड सीड। जब राई चटक जाएगी उसके बाद हम इसमें मिर्ची काट करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं एक ही ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ, करी लीव्स डाल देंगे। बस ये हो गया हमारा तड़का रेडी। जैसे ही करी पत्ता डालेंगे हमें ये ढोकला के ऊपर डाल देना है। ढोकला को कट करके रखा है, अब इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। ये देखिए, तड़के को अच्छे से फैला देना है जिससे तड़का पूरे ढोकले में आ जाए। और इतना टेस्टी लगेगा ना, मेरी गारंटी, आप इसको दोबारा ज़रूर ही बनाएंगे। और बनाना फ्रेंड्स, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ऐसी ही आसान सी रेसिपी लेकर के मैं आपको मिलती रहूँगी। अब हम इसकी बना देंगे चटनी ढोकला की। ये देखिए, चटनी बनाने के लिए हमें ना फ्रेंड्स, ये ढोकला के जो पीस रहते हैं ना, वही ये 2-3 पीस की ज़रूरत रहेगी, जिससे हमारी चटनी बाइंडिंग यही करेंगे। ये जो ढोकला है ना, वही चटनी को बाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 ढोकला के पीस, कोरिएंडर मेरे पास था, आपके पास पुदीना हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, 2 ग्रीन चिली डाली है मैंने यहाँ पर, जीरा डाल रही हूँ। और ये ढोकला डालना मत भूलिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर डाल करके, पानी वाटर ऐड करके हमें इसे ब्लेंड करना है। ढोकला डालने से इसको बाइंडिंग होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज़ जब भी ये चटनी बनाए तो इसके अंदर आप 2 ढोकले का पीस याद से ऐड कीजिए। बस अब हम पानी डाल करके इसे ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए, चटनी और ढोकला रेडी है। प्लीज़ ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, बाय।